गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट कर रहे थे स्थूल निकायों में अनुनय क्रियाएं, ठीक है। और आज अपने इसमें आगे बढ़ते हैं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। अपन ने अब तक जीरोज लो और फर्स्ट लो की बात कर ली थी। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लो आपका क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स का जीरोज लो क्या होता है आपने पढ़ लिया। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लो था आपका डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। और आपका जो जीरोज लो था वो क्या कहता है, अगर दो निकाय यदि भिन्न भिन्न उसमें समय अवस्था में है तो एक साथ भी क्या होंगे, समय अवस्था में होंगे। और यदि वो भिन्न भिन्न समय अवस्था में नहीं है तो क्या है, वो अपने क्या करते हैं, उन्हें निकट लाने पर वो तब तक अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे की ओर जब तक क्या वो समय अवस्था में न हो जाए। ये था आपका जीरोज लो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लो आपने पढ़ लिया था, इसमें आपने पढ़ा था डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। डेल क्यू और डेल डब्ल्यू आगे क्या थे, आपके ऊष्मा जो आपकी एक्सचेंज होती है और जो निकाय पर या निकाय द्वारा जो कार्य किया जाता है। और डी यू था आपकी आंतरिक ऊर्जा फलन, ठीक है। डी यू क्या थी आपकी आंतरिक ऊर्जा फलन जो आपकी निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आज अपने इसी समीकरण से क्या पढ़ते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। जैसा कि आपके नाम से स्पष्ट हो जाएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसे प्रक्रम होते हैं जिन्हें अगर उल्टी दिशा से भी चलाया जाए तो ठीक है, वो वापस ए से अगर वापस उसी बिंदु तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। नाम से स्पष्ट है उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस जिन्हें अगर रिवर्स भी चलाया जाए तो वो वैसे वैसा जैसा आपको शुरुआत में था वैसे ही आपको वैसा मिल जाएगा, ठीक है। पर अपने बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में अपने रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए कोई दो निकाय ए व बी डिफाइन कर लेते हैं, ए और निकाय बी, दो निकाय। अब इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है, तो देखो कोई निकाय आपका क्या करता है, डेल क्यू ऊष्मा अवशोषित करके, ठीक है, डेल क्यू इस थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं, डेल क्यू अवशोषित करके और क्या करता है उस पर क्या है, निकाय पर क्या किया जाता है, डेल डब्ल्यू क्रय किया जाता है, ठीक है। और वो अपनी अवस्था बी में पहुंच जाता है, क्या है, उस पर डेल क्यू क्रय किया जाता है और क्या है वो अपने निकाय बी में पहुंच जाता है डेल डब्ल्यू उस पर क्रय करके। आगे बात समझ में, ठीक हो। उस पर क्या है, जो आपका निकाय ए है डेल क्यू ऊष्मा, क्यू ऊष्मा अवशोषित करके अशोषित करता है तथा उस पर डेल डब्ल्यू कार्य किया जाता है निकाय ए पर। देखो निकाय ए पर, निकाय ए डेल क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है तथा उस पर डेल डब्ल्यू कार्य किया जाता है तो वो क्या है, ए से बी अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। तो अपने इसको फर्स्ट लो से इक्वेशन लिखे तो आपका क्या बन जाएगा, और डी यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, या आप इसको लिख सकते हैं, या देखो जो डी यू था आपका और डी यू फंक्शन होता है ये क्या है, निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। तो अपने इसको डायरेक्ट लिखते हैं यू बी माइनस यू ए इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है। ये समीकरण एक होगी, ठीक है। अपने क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं, पहले उत्क्रमणीय प्रक्रम को समझ रहे हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम जैसा मैं अपने क्या किया, सबसे पहले कोई आपका निकाय ए और कोई निकाय बी है आपका, ठीक है। मैंने इस निकाय को क्या किया, क्यू ऊष्मा दी तो इस पर डब्ल्यू डेल डब्ल्यू क्रय किया, अर्थात डेल डब्ल्यू क्रय करने पर इसकी क्या है, डेल क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है। और क्या है, निकाय बी अवस्था बी में पहुंच जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट लो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लो यूज किया, जो कि आपकी इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लो से डी यू बराबर डी क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, और डी यू को मैंने क्या किया, यू बी माइनस यू ए डिफाइन कर दिया। यू बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ द निकाय बी सिस्टम बी, और यू ए है आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए, ठीक है। ये थी समीकरण ए। अब क्या करते हैं, अपने सेम प्रोसेस क्या करते हैं, उल्टी दिशा से करते हैं, सेम प्रोसेस क्या करते हैं उल्टी दिशा में। जब निकाय डेल क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है और उस पर डब्ल्यू कार्य किया जाता है, तब अपन मानते हैं कि क्या है,
किसी भी अपने घर्षण के द्वारा, ऊष्मा संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का कोई लॉस नहीं होता ए से बी तक पहुंचने में, ठीक है। इसी प्रकार अब हम अपने क्या करते हैं, निकाय बी पर, निकाय बी द्वारा, निकाय बी द्वारा डेल डब्ल्यू कार्य किया जाता है, निकाय द्वारा डेल डब्ल्यू कार्य किया जाता है तथा डेल क्यू ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो देखो भी अब क्या कहता है, ये प्रोसेस अपने उल्टा करते हैं इस दिशा में, ठीक है। पहले ए से बी की तरफ जा रहे थे, अब बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो निकाय बी द्वारा डब्ल्यू कार्य करता है। पहले क्या कर रहे थे, अपने निकाय पर कार्य कर रहे थे, पर उस पर निकाय पर कार्य किया जाता है डेल डब्ल्यू। अब निकाय द्वारा डेल डब्ल्यू कार्य किया जा रहा है तथा उसके द्वारा डेल की ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो आपका थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या कहेगा, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू आपका जो है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो अभी अब जो आपकी इक्वेशन होगी इसमें जो डेल डेल क्यू क्या होगा आपका नेगेटिव, क्यों ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, और डेल डब्ल्यू भी आपका क्या होगा नेगेटिव क्योंकि ऊष्मा इसमें से बाहर निकल रही है। तो जो आपका डी यू होगा वो होगा माइनस का डेल क्यू और माइनस का डेल डब्ल्यू, ठीक है, प्लस का डेल डब्ल्यू। देखो माइनस पहले था फॉर्मूले में और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, अपने इसके लिए डी यू बराबर माइनस का डेल क्यू माइनस माइनस का डेल डब्ल्यू, ठीक है। डी यू बराबर डिफाइन करें तो ये होगा माइनस का डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है। और डी यू को अपने क्या लिख सकते हैं, इस बार पहले तो आपको यू बी माइनस यू ए था, इस बार अपने क्या कर सकते हैं, अपन पहले ये मान के चलते हैं निकाय आपकी जो ए की ऊर्जा है वो यू ए डैश है, यू ए डैश माइनस UB बराबर क्या होगा माइनस का डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये थी आपकी समीकरण एक, समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक से यू ए डैश माइनस यू बी बराबर क्या होगा माइनस का यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए और माइनस जाएगा अंदर यू ए डैश माइनस यू बी बराबर होगा आपका यू ए माइनस यू बी, UB से UB कैंसिल, UA डैश बराबर क्या आएगा UA। अर्थात अपने जहां से शुरू से चले थे निकाय से A और निकाय B को वही उन्हीं सेम कंडीशन में अगर अपने क्या करते हैं उस पर उस निकाय B द्वारा डेल डब्ल्यू कार्य किया जाता है और डेल की ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो आपका जो आपका निकाय A है वो वापस निकाय A पर पहुंच गया। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। देख लो समझ आ गया अभी हो, फिर भी दोबारा देख लेते हैं उत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसे प्रक्रम जो क्या है प्रारंभिक अवस्था से चल के दूसरे अवस्था तक पहुंचते हैं निकाय बी तक और वापस उन्हीं कंडीशन में उनको रिवर्स चलाया जाता है, उल्टी दिशा में चलाया जाता है, तो वापस वहीं ए पर पहुंच जाते हैं, उसी निकाय इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। ऐसे जो प्रक्रम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया ए और बी, ठीक है, दो निकाय लिए। ए को क्या किया, वो ए जो निकाय ए है उस पर डेल डब्ल्यू कार्य किया जाता है जिससे वो क्या करता है डेल क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है। तो मैंने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ यूज किया और डी यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। आपको पता है जो डी यू होता है वो होता है परफेक्ट डिफरेंशियल, अर्थात ये सिर्फ निकाय की प्रारंभिक तथा आंतरिक अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। तो डी यू बराबर डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू अंतिम अवस्था यू बी माइनस यू ए डिफाइन कर दिया और इसे बोल दिया समीकरण। अब देखो भी जब निकाय आपका बी अवस्था पर पहुंच गया तो क्या किया, इसको उल्टी दिशा में चलाया गया, अर्थात निकाय द्वारा डेल डब्ल्यू कार्य किया गया और इसने डेल की ऊष्मा उत्सर्जित की। तो आपने फर्स्ट लो फिर से लगाया, फर्स्ट लो क्या था आपका डेल क्यू बराबर डी यू माइनस डेल डब्ल्यू। यहां से आप डी यू डिफाइन करोगे तो क्या होगा माइनस का डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। देखो ये इक्वेशन कैसी आती है आपकी, देखो अगर अपने सिर्फ फर्स्ट लो यूज करें डी यू बराबर क्या होता है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अब अगर जब निकाय पर डेल डब्ल्यू कार्य करता है तो डेल डब्ल्यू क्या होता है आपका नेगेटिव और डेल क्यू ऊष्मा उत्सर्जित होने पर ऊष्मा उत्सर्जित हुई है ना, ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो क्यू आपका क्या है नेगेटिव होता है, तो अपना
डेल माइनस का डेल क्यू माइनस आपका फॉर्मूले वाला और माइनस का डेल डब्ल्यू जो कि नेगेटिव होता है। जब निकाय पर करेगा जाता है तो क्या होगा आपका डब्ल्यू नेगेटिव, इसी प्रकार से जो आपका डेल क्यू होता है वो भी नेगेटिव। ठीक है, ये आपका क्या है माइनस का डेल क्यू। ये अपने डी यू को कैसे लिखेंगे, देखो भैया शुरुआत में अपन ने मान लिया बी ए अपना यू ए डैश है, इनिशियल कंडीशन यू ए डैश माइनस यू बी बराबर माइनस का, समीकरण एक से मान दिया यू ए डैश माइनस यू बी बराबर माइनस ऑफ यू बी माइनस यू ए। जब अपन माइनस अंदर ले यू ए माइनस यू बी, यू बी से यू बी कैंसिल, यू डैश बराबर यू, अर्थात आपका जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहता है। अब अपन बात करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, उत्क्रमणीय के जस्ट रिवर्स, अर्थात ऐसा प्रक्रम जो उत्क्रमणीय न हो वो क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात अगर अपने निकाय ए से निकाय बी तक जाते हैं और वापस बी से ए में आएंगे तो क्या है, वैसा वैसा निकाय नहीं मिलता, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा का लॉस हो जाता है, ऊष्मा की हानि हो जाती है। और वो ऊष्मा की हानि किसके रूप में हो सकती है, हो सकता है वो घर्षण के रूप में हो, विकिरण के रूप में हो, ऊष्मा संवहन के रूप में हो, किसी के रूप में भी ऊष्मा की हानि हो सकती है। वो ऊष्मा की हानि क्या है, अपने को कार्य के रूप में बाहर मिलती है। ठीक है, इसके अपने कई सारे एग्जाम्पल है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के। उत्क्रमणीय प्रक्रम में अपने कार्नो इंजन पढ़ेंगे, इसमें क्या आते हैं जहां से चलते हैं निकाय ए से वहीं वापस पहुंचने पर अपने को कोई ऊष्मा का लॉस नहीं होता। उत्क्रमणीय प्रक्रम में ऊष्मा की हानि नहीं होती, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ऊष्मा लॉस होता है जो कि अपने को ये कार्य के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, आज के लिए इतने, कल करते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक कार्नो इंजन, ऊष्मा इंजन।